पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जाति मामले में हाई पावर कमेटी नए सिरे से जाति मामले की जांच करेगी। मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन एवं न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता द्वारा केस क्रमांक 2104/2107 पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी विरुद्ध उच्च स्तरीय छानबीन समिति में अंतिम निर्णय अजीत जोगी के पक्ष में दिया गया। बता दें कि उक्त मामले में जोगी द्वारा उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट पर स्टे की मांग की गई थी। पूर्व की सुनवाई में जोगी के वकील राहुल त्यागी द्वारा जोगी का पक्ष रखा गया तथा उपरोक्त केस में अंतिम फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन एवं न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता ने उपरोक्त केस में निर्णय देते हुए कहा कि अजीत जोगी द्वारा उच्च स्तरीय छानबीन समिति के विरुद्ध लगाए गए याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट पर स्टे दिया जाता है एवं एक नई उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की जाए तो अजीत जोगी के जाति की जांच पुनः करेगी। सबसे पहले आपको बता दूंगा, पूरे प्रदेश में जोगी समर्थकों में हर्ष व्याप्त है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। आज चरितार्थ फिर से पूरा हुआ, सत्य की जीत हुई। ऐसे पहले भी हमें न्यायपालिका का पूरा भरोसा था। प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा चाहे कितनी भी साजिश कर ले, जोगी जी के साथ जनता है और जोगी जी के साथ न्यायपालिका ने सही फैसला किया है, उनको सम्मान कर। क्या फैसला है आज जोगी जी के जाति के जो याचिका दायर की थी उनको स्वीकार कर ली है और जो हाई पावर कमेटी जो फैसला दिया था उसको निरस्त। दोनों निर्णय के लिए जोगी जी की पिटीशन अलाउ हुई है पार्टी इस आधार पर कि 17 मार्च 2017 को जो कमेटी बनाई गई थी बिना बाबा साहब कंगाले की अध्यक्षता में, उसमें तीन ऑफिसर काम एक ही कर रही थी। दूसरा, उस नोटिफिकेशन को गजट में पब्लिश नहीं किया गया था, इसलिए वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी नहीं थी, इसलिए उसके आदेश को निरस्त किया गया है। और आदेश किया गया है कि राज्य सरकार फिर से कमेटी बनाए, जैसा कि कलेक्टर बिलासपुर अजीत जोगी के केस में डायरेक्शन दिया गया था और माधुरी पाटिल के केस में दिया गया था। तीन आदमियों की कमेटी होना चाहिए, उसका बकायदा जैसा कि नियम आ गया है अभी एक्ट आ गया 2013 में, उसके मुताबिक उधर नोटिफाई किया जाए और वो कमेटी के सामने जाके अजीत जोगी को जो भी करना है कहें। विजिलेंस रिपोर्ट को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, उसके बारे में जो भी आपत्तियाँ हैं ये जाके वहीं लें और कमेटी डिसाइड करे सारे मामले को फिर से। नहीं, कब तक कमेटी बनाने का? इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दिया है, बस निर्देश दे दिया है कि बना करके राज्य शासन कमेटी बनाए और वहाँ पर जाके अपना अपोजिशन और उसके बाद जो भी निर्णय होगा होगा। हमारी जो रिट अपील थी नंद कुमार साहब, उसमें हमने इस आधार पर अपील किया था कि 2018 सितंबर 2013 को बाई प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट इन्होंने आदेश दिया था, ये कह के कि राज्य सरकार ने विड्रॉ कर लिया है पुरानी जो विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट थी जिसकी नोटिस दी गई थी 26 जून 2013 को, और जिसका जवाब योगी जी ने नहीं दिया था, एक महीने के अंदर देना चाहिए, 31 जुलाई तक नहीं दिया था, इसलिए वो फाइनल हो गई थी पुरानी, इसलिए और इस नई पिटीशन में इन सब बातों को छुपाया है उन्होंने। इस बीच में हम लोगों को तो इसी विश्वास पे चल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है, ऑर्डर खोजने की कोशिश कर रहे थे, जब नहीं मिला और अजीत जोगी ने दूसरी पिटीशन लगाया तब हमको हमारा माथा ठनका कि जरूर कोई ऑर्डर नहीं है, अगर होता तो रूल 45 हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक उस आदेश की प्रतिलिपि पुराने जो आवेदन था कि हाईकोर्ट ने विड्रॉ किया है उसके साथ आ रहा था, प्लस ऑर्डर का उल्लेख होना था, उसका नंबर और तारीख वगैरह वो नहीं था, ये हमको तब लगा। तो इसलिए आधार पे फिर शायद जी ने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके लिया, हमने लगाया, 3.5 साल का डिले था, लेकिन उसका विलंब का क्षमा करने का कारण ये था कि हमको फ्रॉड का पता अब पता चला है, जब ये ऑर्डर की कॉपी हमको नहीं मिली वहाँ से कहीं से, और कोई अस्तित्व में है नहीं ऑर्डर, उसमें कोई उल्लेख नहीं है, उसका नंबर करना कॉपी लगाई गई जबकि लगाना चाहिए नियम के अनुसार, तब गिल्डा जी ने कोर्ट के सामने कबूल किया कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये एस्पेक्ट को विचार नहीं किया गया है, अब वो शायद जी आएंगे तो तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर वहाँ भी जा सकते हैं, हाई पावर कमेटी जो नहीं बनेगी उसके सामने भी आपत्तियाँ की जा सकती हैं, और फिर जो डिसीजन होगा उसके खिलाफ जो इसके खिलाफ होगा वो हाईकोर्ट फिर आ सकता है, दो रस्ते खुले हैं, शायद जी चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं सीधा, है ना, क्योंकि उनकी आपत्तियों पर तो विचार ही नहीं हुआ,
एक तो ये कि योगी जी साफ हाथों से नहीं आए हैं, उन्होंने फ्रॉड करके ऑर्डर लिया है, प्लस उन चीज़ों को अपने दूसरे पिटीशन में उल्लेख नहीं किया है। ये बहस हमारी जो थी उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, इसको आधार बनाकर। हाँ, तो अगर इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाना चाहिए था कि इनका क्या असर होगा केस पर, तो भी इग्नोर हो गया है। गलती हो गई तो रिव्यू पिटीशन भी करा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, शायद ही का चॉइस उनका है। रामशरण कंवर, ग्राम हरदी बाजार, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 7, ब्लॉक पाली से। मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की मेरे क्षेत्र, मेरे कोरबा जिला और पूरे प्रदेश वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।